हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर वेरियस स्टाफ रिक्रूटमेंट, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च एसोसिएट एंड लाइब्रेरियन की पोस्ट। ठीक है, तो टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजिशन के लिए आपको ये नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है, एंड यहाँ पे दोनों कैंपस अलग अलग है, जैसे दिल्ली कैंपस है, साउदर्न कैंपस है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 7 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप चेक करना चाहे तो लास्ट कॉलम्स में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च एसोसिएट जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे आपका 4 वैकेंसी है। एंड लाइब्रेरियन के लिए जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 12 वैकेंसी, मतलब 12 वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, उसके बाद चलते हैं सीधे क्वालिफिकेशन एज एंड पे लेवल पर। तो क्वालिफिकेशन देखिए, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री रखा गया है। ठीक है, कोई भी नेट या फिर कोई भी पीएचडी का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। पीएचडी मतलब अगर आप डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन देखें तो डिजर्वेबल में एमफिल एंड पीएचडी को रखा गया है, एमपिल और पीएचडी को, बट पीएचडी को एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं रखा गया है, ना ना तो यहाँ पे नेट वगैरह को यहाँ पे जिक्र किया गया है। सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री के साथ अगर आपने सोशल साइंसेज, एनवायरमेंटल, आर्थ साइंसेज, इंजीनियरिंग या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर कोई भी अलाइड सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री किया है विथ मिनिमम 55% मार्क्स, देन आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कंसिस्टेंटली गुड होना चाहिए। ठीक है, मतलब यूजी में हो गया, मतलब अंडर ग्रेजुएशन में हो गया या फिर 10th 12th में हो गया, तो सभी जो आपका डिग्री है तो एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो कंसिस्टेंटली गुड होने के साथ साथ बस मिनिमम 55% मार्क्स के साथ जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसी में से कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है या फिर कोई भी अलाइड सब्जेक्ट्स में, तो आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डिजर्वेबल में यहाँ पे एमफिल और पीएचडी को रखा गया है इन द कंसर्न और अलाइड डिसिप्लिन्स, बट अगर आपने पीएचडी नहीं किया है फिर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड सिलेक्शन भी आपका हो सकता है। पीएचडी एंड एमफिल को यहाँ पे रखा गया है फॉर द प्रेफरेंस, अगर किसी के पास है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड उनका जो अपॉर्चुनिटी है वो दूसरों से बढ़ जाएगा। ठीक है, और कुछ बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एज लिमिट देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड जो रिलैक्सेबल है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनके लिए 5 ईयर्स तक की रिलैक्सेबल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, पे लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे पे लेवल जो है 10 रखा गया है, तो 7 सीपीसी के हिसाब से आपका जो एंट्री बेसिक सैलरी है वो है 56,100 रुपीज पर मंथ। ठीक है, जो कि ठीक ठाक सैलरी है यहाँ पे। एंड रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है नेक्स्ट पोस्ट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मास्टर्स डिग्री ओनली चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आईटी, आर्थ साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, अर्बन प्लानिंग एंड लैंड यूज। तो इसमें अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड आपके उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस के जिक्र किया गया है। एंड डिजर्वेबल में देखिए, अगर आपके पास पीएचडी वगैरह या फिर एमफिल वगैरह आपने किया है देन आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, 30 इयर्स रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट एंड एससीएसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 35 इयर्स, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 33 इयर्स यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड एज यूजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर आप हैं देन आपको 5 साल के लिए, 5 साल तक का रिलैक्सेबल आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, पे लेवल यहाँ पे देखिए 6 रखा गया है, तो 7 सीपीसी के हिसाब से आपका 35,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है एज इनिशियल बेसिक सैलरी। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट है। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री के साथ आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर्स डिग्री किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड आपका लाइब्रेरी ऑपरेशन में 2 साल का, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका बैचलर्स डिग्री प्लस आपका 2 साल का लाइब्रेरी ऑपरेशन में एक्सपीरियंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एमपील वगैरह या फिर पीएचडी
पीएचडी के लिए कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री के साथ ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स रखा गया है, SC ST वालों के लिए 35 ईयर्स एंड OBC वालों के लिए 33 ईयर्स एंड एज यूजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, पे लेवल अगर देखा जाए तो 7 है यहाँ पे पे लेवल। तो एंट्री बेसिक सैलरी एज पर 7 CPC 44,900 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर पर। तो देखिए एप्लीकेशन जो है लास्ट डेट जो है यहाँ पे आपका 30 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है ये 8 तारीख को, मतलब 8 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इसका मतलब आपका 8 जनवरी को आपका लास्ट डेट है। ठीक है, 2024 मतलब अगले साल जो जनवरी का 8 जनवरी है, 8 जनवरी को लास्ट डेट है। उससे पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 लिंक अवेलेबल है एप्लीकेशन के लिए। ऑनलाइन मोड पे है आपका एप्लीकेशन, कोई भी ऑफलाइन या फिर कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह अगर आप सेंड करते हैं, मेल करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे लिंक दिए गए हैं इसी लिंक में आपको अप्लाई करना है, तभी जाके आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 लिंक है, एक लिंक है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजिशन के लिए एंड एक ये जो लिंक है यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जैसे रिसर्च एसोसिएट एंड लाइब्रेरियन की पोस्ट, उसमें मतलब अप्लाई करने के लिए आपको दूसरा वाला लिंक मतलब क्लिक करके अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 2 लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्ट क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके देन अपना जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं देन आपका अलग से एप्लीकेशन एज वेल एज आपको अलग से फी पे करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कितना है वो एक बार चेक कर लेते हैं। 1,000 रुपीज फॉर यूअर एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, 500 रुपीज फॉर SC ST एंड AWS कैंडिडेट। ठीक है, एंड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा एंड एक पर्सनल इंटरेक्शन होगा। आफ्टर रिटन टेस्ट एक पर्सनल इंटरेक्शन होगा। रिटन टेस्ट का अगर बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया देन यहाँ पे जो सेंटर है एग्जाम का, रिटन टेस्ट का जो सेंटर है वो दिल्ली में ही अलग अलग सेंटर में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ओके, बट अगर एक साथ बहुत लोगों ने अप्लाई किया देन इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स में यहाँ पे जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। ओके, इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कोई भी क्वेरीज वगैरह है आपके पास देन आप जो है यहाँ पे दिए गए मेल आईडी पर मेल करके पूछ सकते हैं एंड फोन नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे देखिए एप्लीकेशन करते टाइम क्या क्या आपको अपलोड करना है, ये सारी चीजें जो है पहले से आपको प्रिपेयर रखना है, पहले से आपको रेडी रखना है। ठीक है, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10th का 12th का UG का PG का सभी सर्टिफिकेट, देन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिए गए हैं कि नो डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड और कंसिडर्ड बाय द इंस्टीट्यूट आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं यहाँ पे जो मेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है या फिर कॉल फोन नंबर दिया जाता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म करते टाइम या तो डॉक्यूमेंट्स कोई मिस हो जाते हैं या मतलब बिना देखे वो फाइनल सबमिशन कर देते हैं, तो कोई मिस हो जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स एंड वो चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट मतलब इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाए, तो इसके लिए मेल पे मेल करते रहते हैं इंस्टीट्यूट वालों को बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आप जब फाइनल सबमिट करेंगे उससे पहले प्रीव्यू करके अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किया है कि नहीं, सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आपका कंप्लीट है कि नहीं, अच्छे से चेक करने के बाद ही आप जो है फाइनल सबमिशन कीजिए। ठीक है, बिकॉज आफ्टर सबमिशन आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड देन आप देख सकते हैं कोई भी TAD आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरेक्शन। ठीक है, एंड फिर से वही लास्ट डेट वगैरह एंड एप्लीकेशन का 2 लिंक फिर से दिए गए हैं, तो यही नोटिफिकेशन है। उसके बाद अगर आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर ड्यूटीज क्या क्या है वो चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज दिए गए हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए आपको कोर्सेज वगैरह डेवलप करना होगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड मैनुअल्स ये सब रेडी करना होगा, रीडिंग मटेरियल्स कंपाइल करना, ट्रेनिंग कोर्सेज कोऑर्डिनेट करना, कॉल नॉमिनेशंस एंड देन रिसोर्स पर्सन आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज में जाके आपको फील्ड असेसमेंट करना, ये सारी चीजें आपको करना होगा। कोई भी डिजास्टर इवेंट हो गया देन वहां पे डॉक्यूमेंटिंग करना, ये सारी चीजें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज रिसर्च एसोसिएट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाला है, ठीक है। लाइब्रेरियन का क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाला है, आपका आपको सुपरवाइज करना होगा, मेंटेन करना होगा लाइब्रेरी का, इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ बुक्स, न्यूज पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स एटसेट्रा, ठीक है। या फिर लिंकिंग, स्ट्रेटेजिक लिंकिंग एंड लायजन विद अदर लाइब्रेरीज, एंड यहाँ पे लास्ट में जो दिए गए हैं कि कोई भी पब्लिकेशन मतलब एनुअल रिपोर्ट का हो गया, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का हो गया, बुक्स जर्नल्स ये सब जो है पब्लिकेशन का आपको असिस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वहां से आया है, तो वो NIDM जो है यहाँ पे टाई अप किया है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के साथ, एंड ये जो रिक्रूटमेंट है ये दोनों के मतलब टाई अप के वजह से ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड रिसर्च एसोसिएट के लिए, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। मैंडेट ऑफ NIDM, ठीक है, दिल्ली में ही है, रोहिणी में, ठीक है। NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट है ये, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप पब्लिश डेट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 8 दिसंबर को रिलीज किया गया था, ठीक है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को दिखा देते हैं, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ये नोटिफिकेशन सॉरी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको ऊपर ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं देन आपके पास रिक्रूटमेंट का टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके आपको लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करके आप फाइनल एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हैं एंड व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक, जैसे मैंने दिखाया दो लिंक अवेलेबल है बहुत सारे जगह में, वो आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक दिखेगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च एसोसिएट लाइब्रेरियन के लिए अलग अलग दो लिंक, एंड लास्ट में यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वाला लिंक एंड रिसर्च एसोसिएट एंड लाइब्रेरियन के लिए ये वाला लिंक, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अपना 100% दीजिए, आपको जरूर अपना जॉब मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, नीडफुल लगा तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव के साथ। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।